मेरे सामने इस वक्त सैकड़ों सवाल हैं बदर का ये गजवा उनका जवाब है हदीस शरीफ़ के लिहाज से जब हम बरकत और तबर्र की बात करते हैं तो बरकत और तबर्र के लिहाज से भी यानी मुकाबिल टोला जो मुसलमानों के अंदर एक हमारा एतक़ादी तौर पर मुकाबिल है वो हमसे कह सकते हैं कि अगर बरगजीदा बंदे के होने की वजह से मदद आती है तो फिर हज़रत सिद्दीक अकबर कितने बरगुजीदा थे तो वो मौजूद थे जिस वक़्त गजबाएद के अंदर एक आजमायश आई हज़रत फारूक आज़म रजी अल्लाह मौजूद थे तो अगर महज किसी बुज़ुर्ग की वजह से मदद आ जाती है महज किसी बुज़ुर्ग के होने की वजह से तो फिर वहाँ क्यों नहीं आई हालांकि वहाँ भी एक मदद थी और बिल आखिर वो भी फता ही का एक पेश ख़ैमा था जिससे जाकर अगले गजवा तक मुसलमानों की धाक बैठी लेकिन ये बात भी तो सही बुखारी में है कि हमारे आका वसल्लम फरमाते हैं कि एक ज़माना आएगा मुसलमानों की फ़ौज और कुफ़ार की फौज आमने सामने होगी ये बुखारी में कई बार हदीस आई है तो मुसलमान तैयारी सारी उनकी है लेकिन फिर भी कहते हैं कि हल फीकुम मन साहबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम में कोई ऐसा बंदा भी है जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिहाबी होने का शर्फ हासिल हो क्यों उसकी मदद चाहते हैं उससे मदद चाहते हैं उसकी वजह से कि सब के हौसले बुलंद हों और हम अल्लाह से कहें ये नेक बंदा जो हमारे साथ है इसके ज़रिए से हमारी मुश्किलें आसान हो जाए तो हमारे आकाश स्थाले फरमाते हैं फयुकालो नाम कहा जाएगा एक बंदा सिर्फ है सहाबा में से एक बंदा तो सरकार फरमाते हैं जब उसका नाम लेकर अब गजवा हो रहा है फ़ैुफ तहुम उस एक के सदके रब फताता फरमा देगा एक के सदके फता देगा अब उधर तो सारे सहाबा हैं ओहद में इधर सिर्फ एक है यानी वहाँ हिकमत कुछ और थी वरना वहाँ अकेले सिद्दीक अकबर भी काफ़ी थे वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई एक गुलाम भी काफी थे अब सरकार का होना वही काफ़ी था अब इतना वक्त गुजर गया कि सिर्फ एक सिहाबी जिंदा बचे हैं उस वक़्त और वो फौज में है और ज़ाहिर है कि जो उस वक़्त एक बचे हैं तो नौजवान तो नहीं होंगे वो नहत ज़यीफ़ होंगे अपनी जिस्मानी ताकत के लिहाज से बड़े कमज़ोर होंगे लेकिन फयुफ़ तहो उस एक की वजह से फतह सबको हो जाएगी और इमाम बुखारी ने यहाँ पर बाब कहम किया बाबू मनिस्तान बिदुआफा फिलह कि जिसने ज़यीफ़ों से मदद चाही जंग के मौका पर करनी जंग है लेनी मदद है और लेनी किस से है ज़यीफ़ से लेनी है हालांकि मदद तो ताकतवर करता है और वो भी आम हालात में और जंग के मौका पर तो अपनी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आँखें बंद कर लेते हैं दीदार के लिए ये अल्लाह ही के फलसफे हैं अल्लाह ही की हमतें हैं ना इनमें कोई तवाहम परस्त है और सरकार खुद बयान कर रहे हैं इस बात को कि एक मेरा सहाबी भी जिस लश्कर में होगा वो दलील फ़तेह है उसकी वजह से फतेह हो जाएगी और ये भी खुद ख़बर दी कि सारी तैयारी भी की जाएगी और साथ रूहानी तौर पर आखिरी स्टैम्प ये भी लगवाई जाएगी यानी जो लश्कर खड़ा है कुफार के मुकाबले में उनके पास घोड़े भी हैं ऊँट भी हैं उनके पास तलवारें भी हैं तीर भी हैं मुजाहिद हैं उन्होंने मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल की हुई है ये सब कुछ होते हुए वो चाहते हैं कि कोई से मिल जाए लश्कर में हो तो हमें उसकी मदद हासिल हो जाए उसके ज़रिए से तो ये दोनों तरीक़े मादी तैयारी और रूहानी तैयारी और फिर इसमें भी रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि सुम यकजु फ्यामिनन्नान्नान्नान्नान्नान्नास फिर एक ज़माना आएगा लश्कर आमने सामने होंगे तो मुसलमानों की जो फौज है उसमें ऐलान होगा हल्फी कुम मन साहबा अहबाबा रसूल सल्लासलम क्या तुम में कोई ऐसा भी है अब सिहाबी तो नहीं मिल सकता लेकिन कोई सिहाबी का सिहाबी यानी जिसको ताबी कहते हैं किसी सिहाबी को देखने वाला कोई फर्द यानी कोई ताबी अगर है तो उसको ढूंढो ताकि उसको फौज में रखें और उससे मदद हम हासिल कर लें उसके होते हुए हमारे लिए फतह हो जाएगी तो सरकार फरमाते हैं ये पहले खबर देख जा रहे हैं फरमाए कलो नाम कहा जाएगा हाँ सिहाबी तो कोई नहीं ताबी भी अब सारे उठ गए हैं दुनिया में सिर्फ एक ताबी है तो सरकार फरमाते हैं फयुफ तहुम उस एक की वजह से रब फता फरमा देगा अब जिसने अकल के तराजू पे तोल के शरीयत को मानना है वो बताए कि यहां सरकार को देखने वाले का शागिर्द सरकार के सिहाबी का ताबी उसकी वजह से फतह हो रही है और वहां सारे अहाब मौजूद है खुद रसूल पाक वसल्लम भी मौजूद हैं लेकिन वहाँ हिकमतें कुछ और हैं और अकल के तराजू पे तोल कर यहाँ फैसले नहीं किए जा सकते